नमस्कार, मैं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में आज से दिखने लगा यास तूफान का असर। बिना विलंब शुल्क के बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने की आज है अंतिम तारीख। राज्य के नियोजित शिक्षकों की बहाली पर शिक्षा मंत्री ने दिया बड़ा बयान। राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने के बाद सीएम ने बैठक कर अधिकारियों को दिया निर्देश। देश भर में 40 दिनों के बाद आई कोरोना से राहत देने वाली खबर। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बिहार में आज से दिखने लगा यास तूफान का असर। बिहार में मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में भीषण चक्रवाती तूफान यास के दस्तक देने के बाद अलर्ट जारी किया है। आज शाम तक और बुधवार सुबह तक यह तूफान ओडिशा के बालासोर से टकराएगा। इस दौरान 150 से 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बह सकती है। आज सुबह से ही बिहार के कई जिलों में इसका असर देखने को मिला। पटना में जहां तेज हवाएं बह रही थी, तो वहीं भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, पूर्णिया, खगड़िया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा में आज सुबह से ही तेज आंधी और बारिश हो रही है। वहीं कहीं कहीं वज्रपात होने की भी खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में आज शाम से यास तूफान का असर दिखेगा और बिहार के लगभग सभी जिलों में गरज के साथ तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। इसके लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो कई जिलों में आज से 30 मई तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। इस दौरान तापमान में भी भारी गिरावट होगी। बिना विलंब शुल्क के बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने की आज है अंतिम तारीख। बिहार के सरकारी और निजी बीएड कॉलेजों के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म भरने के लिए 3 दिन शेष बचे हैं, मगर बिना विलंब शुल्क के फॉर्म भरने की आज 25 मई को ही अंतिम तारीख है। विलंब शुल्क के साथ 28 मई तक आवेदन किया जा सकता है। अब परीक्षा 15 जून को होगी। वहीं 11 जून को एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। करेक्शन के लिए 29 मई से 30 मई तक का समय दिया गया है। हालांकि निजी संस्थाओं और छात्रों का कहना है कि अभी साइबर कैफे नहीं खुले हैं, इसकी वजह से आवेदन फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है। अभी ऐसी स्थिति में परीक्षा लेना भी संभव नहीं है। वहीं कई कॉलेजों ने परीक्षा की तिथि कम से कम एक सप्ताह आगे बढ़ाकर जून के अंतिम सप्ताह करने की मांग कुलपति से की है। वैसे उम्मीदवार जो अब तक आवेदन नहीं कर सके हैं, वे बिहार सीईटी bihar.cet.lnmu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ट्रूनेट से होगी नए कैदियों की कोरोना जांच। बिहार की जेलों में कोरोना संक्रमण ना फैले, इसे लेकर जेल प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है। इसके तहत अब नए कैदियों को जेल में लाने से पहले कोरोना सैंपल की जांच ट्रूनेट से होगी। इसे लेकर आईजी कारा एवं सुधार सेवाएं मिथिलेश मिश्र ने सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखा है। फिलहाल की व्यवस्था में गिरफ्तारी के बाद नए कैदियों को जेल भेजने के पहले एंटीजन किट के जरिए उनकी जाँच की जाती है। एंटीजन जांच पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है। ऐसे में कई बार पॉजिटिव होने के बावजूद एंटीजन से नेगेटिव रिपोर्ट आई। जांच रिपोर्ट शत प्रतिशत नहीं होने के कारण कैदियों के बीच संक्रमण का खतरा बना रहता है। इस कारण ही नए कैदियों को कोरोना जांच ट्रूनेट से कराई जाएगी, जिसकी रिपोर्ट उसी दिन देने की व्यवस्था होगी। वहीं जहां ट्रूनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां जल्द इसका इंतजाम करने को कहा गया है। वहीं किसी भी नए बंदी की रिपोर्ट पॉजिटिव होने पर नए जेल लाने की जगह उन्हें नजदीक के कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा। राज्य के नियोजित शिक्षकों की बहाली पर शिक्षा मंत्री ने दिया बड़ा बयान। राज्य में सालों से 98,000 नियोजित शिक्षकों की बहाली का रास्ता अभी भी कोर्ट के फैसले पर अटका है। इस बीच बहाली पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार तत्काल नियुक्ति करना चाहती है, लेकिन कोर्ट ने रोक लगा रखी है। अगर आज कोर्ट नियुक्ति की इजाजत दे दे तो कल से बिहार सरकार बहाली करना शुरू कर देगी। विजय चौधरी ने कहा कि सरकार इस मामले में तत्परता से लगी हुई है और कोर्ट से जल्द ही नियुक्ति की इजाजत मिलने की उम्मीद है। आपको बताते चले कि बिहार में करीब 98,000 नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति का मामला लंबे समय से अटका हुआ है। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि फिलहाल नियुक्ति पर कोर्ट ने जो रोक लगा रखी है, वह दिव्यांगों को आरक्षण देने के मामले पर है। राज्य सरकार ने तो कोर्ट को यहां तक कहा है कि न्यायालय को अगर लगता है कि दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, तो वह उतने पद चिन्हित कर ले जितने पदों पर दिव्यांगों को आरक्षण दिया जा सकता है, बाकी बचे पदों पर नियुक्ति का आदेश दे दे। सरकार तत्काल नियुक्ति करना चाहती है। सोशल मीडिया पर खान सर को लेकर छिड़ी जंग। पटना के खान जीएस रिसर्च सेंटर चलाने वाले खान सर आज किसी पहचान के मोहताज नहीं। इन्हें बड़े बड़े टीवी शो में इंटरव्यू देते हुए भी देखा गया, मगर खान सर को लेकर अब सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई है। इस बार उनके अंदाज को लेकर नहीं, बल्कि उनके अमित सिंह से खान सर बनने की कहानी को लेकर जंग छिड़ी है। खान सर को लेकर रिपोर्ट ऑन खान सर और फेक खान सर जैसे कई हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। साथ ही उनके कुछ वीडियोज के क्लिप्स भी शेयर किए जा रहे हैं, जिनमें उन्हें अमित सिंह बताया जा रहा है। दरअसल कुछ दिनों पहले खान सर की ओर से एक वीडियो में धर्म विशेष पर टिप्पणी किए जाने के बाद से माहौल गर्म हो गया है, जिसे लेकर टीपू सुल्तान पार्टी ने खान सर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि हमें नहीं पता कि ये व्यक्ति मुस्लिम है भी या नहीं, लेकिन यह निश्चित रूप से एक संघी है। इस ट्वीट के रिप्लाई में किसी ने इन्हें संघी खान बताया तो किसी ने दावा किया कि उनका असली नाम अमित सिंह है और उनकी अकादमी के छात्रों ने उन्हें खान सर का नाम दे दिया है।
पटना के मेडिवर्ल्ड हॉस्पिटल द्वारा बिल से ज्यादा वसूली करने पर हुआ एफआईआर दर्ज। पटना में एक और अस्पताल प्रशासन द्वारा इस विकट परिस्थिति में भी लूट मचाने का मामला सामने आया है। इस क्रम में बाईपास रामकृष्ण नगर स्थित मेडिवर्ल्ड हॉस्पिटल द्वारा मरीज के परिजनों से सरकार द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूलने के मामले में वैशाली जिले के एक व्यक्ति ने केस दर्ज करवाया है। जानकारी के मुताबिक मेडिवर्ल्ड अस्पताल द्वारा मरीज के परिजन से 1,15,000 रुपये इलाज के नाम पर वसूले गए, जबकि रसीद मात्र 50,000 रुपये की ही दी गई। इसके साथ ही मेडिवर्ल्ड अस्पताल के प्रशासन ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए लिस्ट में भी नहीं रखा है, फिर भी वहां इलाज किया गया, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रशासन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं पटना जिलाधिकारी ने कहा है कि सभी निजी अस्पताल को सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप ही राशि लेने की बात कही गई, अन्यथा दोषी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। अमीर शहीद राजेंद्र सिंह की पत्नी के निधन पर मुख्यमंत्री ने जताया शोक। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी जान की कुर्बानी देने वाले शहीद राजेंद्र सिंह की धर्मपत्नी सुरेश देवी का निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार सीएम नीतीश कुमार ने राजकीय सम्मान के साथ करने की बात कही और उनके निधन पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शोक संदेश में कहा है कि सुरेश देवी एक कर्तव्य परायण और धर्मपरायण महिला थी। 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वर्गीय सुरेश देवी के पति अमर शहीद राजेंद्र सिंह ने अपने जीवन का बलिदान दिया था और सचिवालय भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय सुरेश देवी प्रतिवर्ष 11 अगस्त को शहीद दिवस पर अमर स्वतंत्रता सेनानियों की श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हमेशा शामिल होती थी। मुख्यमंत्री ने उनके निधन को व्यक्तिगत तौर पर दुख पहुंचाने वाला बताया। उन्होंने दिवंगत आत्मा की चिर शांति तथा उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। साइबर अपराधियों ने एडीजी का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर मांगी रुपए। साइबर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्हें पुलिस प्रशासन से भी डर नहीं लगता है। हाल ही में बिहार के पालीगंज के विधायक का फेक अकाउंट बनाकर ठगी करने के बाद अब हैकरों ने एडीजी पीएचक्यू जितेंद्र कुमार का फर्जी फेसबुक अकाउंट बना डाला और लोगों से उनके नाम पर रुपए की मांग करने लगे। इसकी जानकारी मिलते ही खुद एडीजी ने अपने फेसबुक के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है। एडीजी जितेंद्र कुमार ने लोगों से इन साइबर अपराधियों के जाल में न फंसने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने ईओयू के एजीडी को लिखित शिकायत भी की है। राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने के बाद सीएम ने बैठक कर अधिकारियों को दिया निर्देश। सूबे में तीसरी बार लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है और 1 जून तक अब की तालाबंदी की गई है। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कई दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इसके तहत कोरोना जांच की संख्या हर दिन 1.5 लाख करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही इस दौरान वैक्सीनेशन को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चलंत टेस्टिंग वैन के जरिए प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 जांच होगी तथा इस जांच की रिपोर्ट 24 घंटे में लोगों को मिल जाएगी। वहीं कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपए की राशि दी जा रही है, जिसे लेकर सभी जिलाधिकारी को कोरोना संक्रमण से होने वाली मृत्यु की पूरी जानकारी लेकर उनके परिजनों को राशि उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। राज्य के 10 नगर निगमों की योजनाओं को लेकर डिप्टी सीएम ने की समीक्षा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने राज्य के 10 नगर निगमों मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बिहार शरीफ, छपरा, दरभंगा, गया, आरा, बेगूसराय, मुंगेर एवं सीतामढ़ी के नगर आयुक्तों के साथ एक बैठक की, जिसमें यहां चल रहे विभिन्न योजनाओं को लेकर समीक्षा की गई। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इसके तहत बरसात में जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए ठोस कार्रवाई करने की बात कही गई। इसके साथ ही जल जमाव की समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर मॉनसून के पूर्व हर हाल में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। वही बैठक में सम्राट अशोक भवन निर्माण के कार्य में गति लाने की बात कही। इसके लिए जहां भूमि की उपलब्धता नहीं है, वहां के संबंधित जिलाधिकारी एवं अपर समाहर्ता से समन्वय स्थापित कर नगर आयुक्त भूमि की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। इसके अलावा क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन और मास्क वितरण का भी निर्देश दिया गया। लालू की बेटी ने पीएम मोदी पर किया ट्वीट का हमला। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दूसरे नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहते हुए ट्वीट के जरिए देश व बिहार की राजनीति में अपने पांव जमाती दिख रही हैं। कभी वे अपने भाई व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के समर्थन में वे ट्विटर पर जमकर लड़ाई लड़ती हैं, तो खास तौर पर रोहिणी बिहार के सीएम नीतीश कुमार और पूर्व डिप्टी सीएम व भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी को अपने निशाने में लेती है। मगर इस बार उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम मोदी का नाम लिए बिना उन्हें सत्ता का भूखा बताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि बनकर फकीरा जो आया था देश बचाने के नारों में, वह सत्ता का भूखा भेड़िया निकला। आपको बताते चले कि रोहिणी अक्सर अपने ट्वीट में बेहद आक्रामक और असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करती है। हाल ही में राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के खिलाफ बेहद स्तरहीन कमेंट करने के कारण ट्विटर ने उन्हें 17 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था।
जल जमाव की समस्या पर पथ निर्माण मंत्री ने वर्चुअल माध्यम में की समीक्षा बैठक। पटना के शहरी क्षेत्र में नमामि गंगे परियोजना के तहत जल जमाव से निजात दिलाने के लिए बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने पटना की कुल 23 सड़कों पर किए गए कार्यों की समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। इस दौरान मंत्री ने आगामी मानसून सीजन को देखते हुए खराब सड़कों की मरम्मत जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। इस समीक्षा बैठक में मंत्री के अलावा पथ निर्माण के अपर मुख्य सचिव, पटना नगर निगम आयुक्त तथा बुडको के निदेशक भी शामिल थे। आपको बताते चले कि पटना की विभिन्न सड़कों पर बुडको द्वारा नमामि गंगे परियोजना चल रही है। इसमें न्यू कैपिटल डिवीजन की 17 एवं सिटी अंचल की 6 सड़कों पर खुदाई की गई है। इसलिए मंत्री ने बुडको को जल्द से जल्द इन कार्यों को पूरा कर वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट 31 मई तक पथ निर्माण विभाग को सौंपने का निर्देश दिया। बरसात को लेकर जल जमाव की परेशानी ना हो इसे लेकर विभाग ने 10 जून तक मरम्मत कराने का निर्देश दिया। फिल्म सुपर 30 के बाल कलाकार कोरोना काल में कर रहे हैं भुखमरी का सामना। बिहार के आनंद सर के जीवन पर आधारित बॉलीवुड फिल्म सुपर 30 के बाल कलाकार को फिल्म में दमदार अभिनय करने के कारण मुंबई तक से ऑफर आने लगे थे, मगर कोरोना काल ने पटना के स्लम एरिया में रहने वाले इन बाल प्रतिभाओं के विकास पर विराम लगा दिया है। लॉकडाउन में इन कलाकारों के माता पिता को घर चलाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी है। इस बाबत फिल्म के बाल कलाकार व लोहानीपुर के रहने वाले घनश्याम बताते हैं कि उनके पिता राजेंद्र बनारसी भुंजा की दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण उनकी दुकान बंद हो गई तो कर्ज लेकर घर चलाया जा रहा है। वही बाल कलाकार सूरज प्रकाश के पिता प्राइवेट जॉब करते थे, लेकिन संक्रमण के कारण उनका काम भी नियमित नहीं होने से घर चलाने में परेशानी हो रही है। बाल कलाकारों का कहना है कि उन्हें मुंबई से भी कई ऑफर आए थे, मगर उनका परिवार दैनिक मजदूरी करके खाने वाला है। ऐसे में मुंबई में रहकर जीवन व्यतीत करना किसी सपने से कम नहीं है। विराट अनुष्का ने दरियादिली दिखाकर बचाई बच्चे की जान। पावर कपल विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने एक बार फिर से अपनी दरियादिली से सभी का दिल जीत लिया है। दरअसल विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने 16 करोड़ रुपए की बड़ी राशि से एक मासूम बच्चे की जान बचा ली है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी से जूझ रहे अयांश गुप्ता को दवाइयों की सख्त जरूरत थी, लेकिन कीमत ज्यादा होने के कारण उनके माता पिता असमर्थ थे। ऐसे में विराट अनुष्का ने इसका जिम्मा उठाया। बताते चले कि अयांश के इलाज के लिए फंड जुटाने और उनके पेरेंट्स ने अयांश फाइट SMA के नाम से ट्विटर अकाउंट बनाया था। इस ट्विटर हैंडल पर विराट और अनुष्का को धन्यवाद कहा गया है। हालांकि आपको बता दें कि अयांश के इलाज के लिए विराट अनुष्का के साथ साथ सारा अली खान, अमृता सिंह, अर्जुन कपूर, राजकुमार राव से लेकर कई सेलेब्स ने इन कैंपेन में हिस्सा लिया था, जिसके बाद बच्चे के पेरेंट्स ने सोशल मीडिया के जरिए सभी को शुक्रिया अदा किया है। देश भर में 40 दिनों के बाद आई कोरोना से राहत देने वाली खबर। देश भर में करीब 40 दिन के बाद 2 लाख से कम मामले आने और इस दौरान मौत के आंकड़े भी कम होने से राहत मिली है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,95,685 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं इस दौरान कुल 3,496 मरीजों की जाँच चली गई है। वहीं 3,26,671 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद कुल एक्टिव केस देश भर में 25,86,782 हो गई है। वहीं अगर बात हम अपने बिहार की करें तो बिहार में बीते 24 घंटे में 2,844 नए कोरोना केस आए हैं। वहीं इस दौरान इसके दुगने लोग यानी कि 5,500 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 37,942 हो चुकी है। वहीं अच्छी खबर यह है कि बिहार में मामले लगातार कम हो रहे हैं और रिकवरी रेट बढ़ रहे हैं, जो कि बढ़कर 93.85% हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार में घटते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन में दुकानों को खोलने के समय में थोड़ी छूट देनी चाहिए या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।